नमस्कार चाणक्या आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है सन 2022, यानी कि वर्तमान वर्ष भारत में आजादी के अमृतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसका कारण है कि भारत आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ बना रहा है इन पचहत्तर वर्षों में अगर हम विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथककरण या सेपरेशन ऑफ पावर को देखें तो हम यह पाते हैं कि न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी ने इस सिद्धांत से अलग शक्ति का पलरा अपनी तरफ ज्यादा झुका दिया है चाहे उसका कारण विधायिका या कार्यपालिका की कार्यप्रणाली में पूर्णता का अभाव हो या न्यायपालिका का अत्यधिक सक्रिय होना हो पिछले सात दशकों से यह या राष्ट्र यानी कि भारत विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तो जैसे कि आरक्षण धर्मनिरपेक्षता लैंगिक समानता तो इन प्रावधानों से संबंधित सच की खोज में लगा हुआ है इनका उचित स्वरूप क्या हो इसकी व्याख्या समय समय पर दी जाती रही है क्योंकि इन सबका आधार या मूल भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान को अंतिम रूप से व्याख्यायित या इंटरप्रेट करने का अधिकार न्यायपालिका का है तो न्यायपालिका का वचन अंतिम सत्य है परंतु ऐसा नहीं है कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका की व्याख्या समान मुद्दों पर अलग अलग हो जाती है कैसे आइए जरा इसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं कैसे आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की यह अनुच्छेद गारंटी देता है किस बात की कि, कि किसी भी धर्म को मानने उसके अनुसार आचरण या प्रैक्टिस करने या उस धर्म का प्रचार करने वहीं अनुच्छेद पच्चीस के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन भी है जिसका आधार है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ आदि अब यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि धर्म से संबंधित जो आचरण है जो प्रैक्टिस है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर उसके परीक्षण की बात की है कि किन धार्मिक आचरणों को कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन दी जाए मतलब उसको संवैधानिक सुरक्षा दी जाए और किसे नहीं इसकी शुरुआत होती है उन्नीस से मामला है सिरूर मठ का इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो भी रिलीजन है उन सभी रिलीजन के रिचुअल्स उसके प्रैक्टिस उसके इंटीग्रल है मतलब उसके अभिन्न हिस्से हैं अब यहां पर यह बात कि कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस इंटीग्रल है और कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस इंटीग्रल नहीं है इसको एग्जामिन किया जाएगा इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके लिए एक टर्मोलॉजी को क्वाइन किया गया मतलब एक शब्दावली दी गई वह है आवश्यक धार्मिक आचरण या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब यहां पर यह है कि हर एक धर्म की जो मूल पुस्तक है उसमें मौजूद धार्मिक आचरण अब जिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात अभी मैंने की है उस पर अगर थोड़ा और हम गौर करें तो शिरूर मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि इसे मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजन मतलब धर्म के सिद्धांत के द्वारा इसको निश्चित किया जाएगा और यह निश्चित होगा कैसे यह निश्चित होगा न्यायपालिका की जांच के द्वारा तो सवाल यहां पर यह है क्या न्यायपालिका ने इसकी जांच की है जी हां की है उदाहरण देखिए 2004 हजार चार ईस्वी में आनंद मार्गियों को सार्वजनिक जगह पर तांडव नृत्य करने से रोक दिया गया उसका आधार क्या दिया गया उसका आधार यह दिया गया कि आनंद मार्गियों के द्वारा इस तांडव नृत्य के दौरान हाथ में जो मानव खोपड़ी लेकर नृत्य किया जाता था वह पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है बात करते हैं दूसरे उदाहरण की जो है 2016 हजार ईस्वी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स से मुस्लिम एयरमैन की बर्खास्तगी को सही ठहराया आधार क्या दिया आधार दिया कि आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 का वह प्रावधान जिसमें आर्म्ड फोर्स पर्सनल को बाल बढ़ाने से रोकने की बात की गई है परंतु इसमें शर्त है शर्त यहां पर यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित है और अगर बाल और दाढ़ी को बढ़ाना उसका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो फिर वह बाल और दाढ़ी बढ़ा सकता है मतलब यहाँ पर यह है कि एक धर्म से संबंधित व्यक्ति बाल और दाढ़ी बढ़ा सकता है जबकि दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति बाल और दाढ़ी को नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो यह कहता है और उसकी अनुमति उसको देता है और एक को अनुमति नहीं देता है मतलब वह अनिवार्य नहीं करता है अब जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस को एसेंशियल के पैमाने पर कसा जाता है तो इसका क्या मतलब है कि क्या हिजाब पर भी न्यायपालिका ने कुछ कहा है जी हा न्यायपालिका ने हिजाब पर भी निर्णय दिए हैं अभी हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं केरल हाईकोर्ट के द्वारा इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र पहनने के अधिकार पर दिए गए निर्णय की मामला एक है मुद्दा एक है लेकिन निर्णय दो आए हैं चलिए बात करते हैं पहले प्रकार के निर्णय की मामला है 2015 हजार पंद्रह ईस्वी का ऑल इंडिया प्री मेडिकल इंट्रेंस में नकल को रोकने के लिए सीबीएसई के द्वारा ड्रेस कोड को जारी किया गया और इस ड्रेस कोड को चुनौती दी गई तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीएसई के पक्ष को सही ठहराया गया लेकिन उसके साथ ही साथ केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कैंडिडेट अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर वो कपड़े पहनते हैं या पहनती हैं और वह ड्रेस कोड के विपरीत है तो उसकी चेकिंग के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाए जाए और ठीक यही निर्णय दिया गया एना बिंट बनाम सीबीएसई 2016 के निर्णय में अगर इन दोनों निर्णयों पर हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उस रिलीजियस प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि प्रतिबंध स्पेशल पर्पस के लिए लगा सकते हैं और अभी हमने जिन दो निर्णयों की बात की है उसमें स्पेशल पर्पस क्या है उसमें यह है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर रखना अब बात करते हैं दूसरे निर्णय की वह निर्णय है फातिमा बनाम स्टेट ऑफ केरला 2018 का इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने स्कूल द्वारा बताए गए या प्रिस्क्राइब किए गए यूनिफॉर्म मुद्दे पर यह कहा कि एक इंस्टीट्यूशन के सामूहिक अधिकारों मतलब जो कलेक्टिव राइट्स है उसको इंडिविजुअल राइट्स पर वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी और फिर अब चार साल के बाद हिजाब का मुद्दा उछला है जब कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में छह स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था और इसका आधार क्या दिया गया इसका आधार दिया गया कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का वह प्रावधान जिसमें यूनिफॉर्म के अनुपालन की बात की गई है मामला हिजाब से बढ़कर केसरिया स्कार पर आ चुका है और यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच चुका है फिर बहस शुरू हो गई है किसकी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार की पुटस्वामी मामले की और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बनाम पब्लिक डिसऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर की या कुल मिलाकर हम बात कहें तो मूल अधिकार बनाम रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक तरफ राज्य तो दूसरी तरफ नागरिक बीच में न्यायपालिका यह न्यायपालिका को क्या भूमिका निभानी चाहिए बंदर बिल्ली की कहानी वाली भूमिका या सिंहासन बत्तीसी वाली लोक कथा के नायक विक्रमादित्य की अब मैं यहां पर आपको एक बात कर रहा हूं जरा उस पर गौर कीजिएगा विगत सत्तर वर्षों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो विभिन्न व्याख्याएं दी गई है एक वो आधार और दूसरा जिस धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को हम जानते हैं उसकी जो परिभाषा दी गई है उस पर हम दो बातें कह सकते हैं जरा इन दोनों बातों पर आप गौर कीजिए पहली बात कि जब धर्म व्यक्तिगत मामला है और राज्य का कोई धर्म नहीं तो धार्मिक आचरणों का सड़कों पर प्रदर्शन कैसा और सार्वजनिक स्थानों पर उसकी उपस्थिति कैसी और जब धार्मिक आचरण संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक गारंटी है तो इसकी एक ही बार पूर्ण एवं व्यापक न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा क्यों नहीं इस बार न्यायपालिका से यह आशा कर सकते हैं न्यायपालिका के लिए यह करना जरूरी भी है ताकि इस तरह के पुराने जिन मजबूत संवैधानिक निर्णय के बोतल में बंद हो सके इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका धर्म के लिए कौन सा आचरण आवश्यक है कि जांच या परीक्षण से हटकर धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता या उस पर प्रतिबंध संबंधी निर्णय पब्लिक ऑर्डर के अनुसार ले और यहां न्याय की गद्दी पर बैठे व्यक्तियों को न्यायाधीश और धार्मिक गुरु का अंतर भी समझना होगा तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने हिजाब पर जो भी मुद्दे अभी हैं उसे लेकर और उस पर या उससे संबंधित अन्य जितने भी धार्मिक संबंधी मुद्दे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा उपभोग किए जाते हैं उस पर समय समय पर न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय दिया गया और आगे न्यायपालिका के द्वारा क्या निर्णय दिए जाने चाहिए इस इस पर हमने बात की। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट